नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉर्दर क्लासेज। मैं हूं नवदीप शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आगामी वैकेंसी जो कि आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की, उसका संभावित सिलेबस क्या होगा। अभी तक हमारे सामने कुछ इस तरह का सिलेबस आया है जिसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, चार सब्जेक्ट के होंगे, जो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि ये पुरानी धारणा है, इस हिसाब से क्वेश्चंस नहीं आने वाले, कुछ फेर बदल होंगे, नए जो पेपर होगा। अगर आप तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो आपको इस सिलेबस को जो मैं बताने वाला हूं आगे, उसको समझना होगा, क्योंकि इसको समझे बिना आप तैयारी नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप लोग ये बात भी बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए कि जो ऑफिशियली लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, उसकी अभी तक ऑफिशियल जो सिलेबस है वो अभी नहीं आया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने पहले मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इनमें आने वाले सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, उनके बारे में समझेंगे। ये है पिछला एग्जाम का, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 घंटे का होता था 100 नंबर का। इसको हम दिमाग से अब निकाल देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जनरल हिंदी में जो जो टॉपिक्स आएंगे उनको कुछ इस तरह से हम देखेंगे। अलंकार, जो अनेकार्थी शब्द, संशोधन या लिंग, विलोम, रस, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, संधियाँ, तद्भव तत्सम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, समास कारक, त्रुटि से संबंधित वचन, वर्तनी कालिक, ये जो है मुख्य टॉपिक हैं। इनसे स्पेशली क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना आप मानकर चलिए। इनको आप अच्छे से तैयार करिए। अर्थमेटिक यानी गणित में जो मैथ वाला पोर्शन है, उसमें आप देखिए नंबर सिस्टम आएगा, संख्या पद्धति आएगा, आपका प्रतिशत आएगा, लाभ हानि आएगा, सांख्यिकी आएगा, और तथ्यों का वर्गीकरण आएगा, फ्रिक्वेंसी आएगा, टेबुलेशन आएगा। ये जो सांख्यिकी से ही रिलेटेड चीजें हैं ये हैं। इसके अलावा भी आप मान के चल सकते हैं एलसीएम, एसडी, एससीएफ, सर्डेनाइसिस और स्क्वायर क्यूब, ट्रिग्नोमेट्री और आपका ज्योमेट्री आएगा। आगे देख लीजिए जो ग्रामीण समाज और विकास, इसमें जो पोर्शन है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जिसमें ग्राम समाज और उसके विकास से रिलेटेड चीजें आएंगी, उसमें जो नई प्रोग्राम योजनाएं बन रही हैं उसके रिलेटेड चीजें आएंगी, जो स्वास्थ्य सुविधाएं और जो स्वास्थ्य स्कीम सरकार लागू कर रही है उसके बारे में आएगा, और उसके बारे में जो नए खोज हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं ग्रामीण विकास के बारे में, उससे रिलेटेड चीजें आएंगी, और ग्रामीण जीवन का सोशल सामाजिक परिदृश्य कैसा है, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आइए आगे समझते हैं कि किस तरह का नया वाला संभावित पैटर्न रहने वाला है इस बार लेखपाल का। क्योंकि हर बार क्या होता था, जो वैकेंसी होती थी उतने पोस्ट नहीं होते थे और उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था। अभी तक 2015 वाला ही उठा लीजिए या फिर उससे पहले का ही आप उठा लीजिए, लेकिन इस बार क्या होगा, जो कैंडिडेट्स होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, भीड़ ज़्यादा होगी तो कट ऑफ ज़्यादा बनेगा, और उस कट ऑफ को कम करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि असली कॉम्पिटिशन हो सके। तो ये नया वाला जो संभावित सिलेबस है वो इस प्रकार रहेगा। आपको हिंदी 40 क्वेश्चन रहेंगे, आधे आधे नंबर के 20 मार्क्स के। मैथ भी आपको 40 क्वेश्चन का मिलने वाला है, आधे आधे नंबर का 20 मार्क्स का, जबकि जीके भी 40 20 मार्क का, कंप्यूटर भी 40 और 20 मार्क रहेंगे इसमें। मान कर चलिए कि इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के आपको, जिसमें 1/3 से 1/2 आपका माइनस मार्किंग हो सकता है। 1/2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आयोग ने चाहा कि कट ऑफ में कमी आए तो वो 1/2 कर सकती है, जैसे आपने यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो वाले एग्जाम में देखा होगा। तो कुछ इस तरह होगा एग्जाम, और 200 क्वेश्चन हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 100 से ज़्यादा 200 हो रहे हैं, इसलिए टाइमिंग डबल तो आयोग नहीं करेगा। उस समय 1.5 घंटे का समय मिलता था, तो यहाँ पर कितने घंटे का समय मिलेगा, आप इतना मानकर चलिए कि यहाँ पर जो समय मिलेगा आपको वो 2 घंटे का मिलने वाला है। पूरा आपको 2.5 घंटे, 3 घंटे या 1.5 घंटे था तो 3 घंटे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे में कट ऑफ फिर हाई जाएगा, और ऐसे लोगों को उसमें दिक्कत होगी जो अच्छे से तैयारी कर कर आए हैं, वो जो जल्दी कर लेते हैं, जो इसमें स्लो स्पीड वाले रहेंगे वो भी अच्छा कट ऑफ कर पाएंगे, इसलिए टाइमिंग भी ज़्यादा वृद्धि नहीं की जाएगी, केवल 2 घंटे समय रखा जाएगा।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा नया संभावित सिलेबस। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तैयारी करने वाले बंधुओं को शेयर कीजिए और अभी से लग जाइए।